देश के 5 राज्यों में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार ने चिंता जताई है। इसी के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा और मिजोरम को पत्र लिखकर सतर्क रहने और सख्त निगरानी रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अगर आवश्यक हो तो जरूरी कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि जरा सी चूक से महामारी प्रबंधन में अब तक किया गया कार्य प्रभावित हो सकता है। पिछले सप्ताह इन 5 राज्यों में कोविड-19 मामलों में देखी गई वृद्धि। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करते हुए निगरानी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए रोकथाम के प्रयासों का पालन होना चाहिए। राज्यों से सभी स्वास्थ्य केंद्रों में फ्लू जैसी बीमारी और SARI मामलों की नियमित आधार पर निगरानी करने, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के निर्धारित नमूनों के लिए जीनोमिक सिक्वेंसिंग, जाँच स्थानों से नमूनों का संग्रह करने के लिए कहा गया है। पिछले सप्ताह इन 5 राज्यों में कोविड-19 मामलों में वृद्धि देखी गई है। टीकाकरण पर भी जोर देने का निर्देश है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी पात्र लोगों के टीकाकरण पर भी जोर देने को कहा है। कहा गया है कि मंत्रालय जारी और सामूहिक प्रयासों में राज्यों को अपेक्षाकृत सहयोग देना जारी रखेगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने आज घोषणा की है कि कोविड-19 की बूस्टर डोज अब 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को दी जा सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि निजी केंद्रों पर टीकाकरण 10 अप्रैल से शुरू होगा। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।